अस्सलाम वालेकुम यार, हमेशा तो मैं आपको घुमाती हूँ, मिलाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलाऊँ जो आप लोगों के लिए एक सबक बन सकता है। वैसे तो लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन तो वैसे ख़त्म हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जो है ऐसे लोग थे जो अपने रोज़गार जिन्होंने खो दिया और जिनका कारोबार ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसी लॉकडाउन में अपनी स्किल्स को पहचाना। बिल्कुल, मैं आपको मिलवा रही हूँ एक ऐसे स्टूडेंट से जिसका फ्यूचर तो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना, लेकिन लॉकडाउन से उसके फ्यूचर को 360 पर टर्न करके उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा शेफ बना दिया। तो चलें आए मिलते हैं। यार जिसका मैं जिक्र कर रही थी ना, हुज़ैफ़ा का, वो हुज़ैफ़ा ये है। अच्छा हुज़ैफ़ा, मुझे ये बताओ कि भाई कहानी तुमने सुना दी कि भाई हुज़ैफ़ा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो हुज़ैफ़ा को पिज़्ज़ा बनाने का ख्याल कैसे आया? ये पिज़्ज़ा बनाने का आइडिया मुझे ऐसे आया कि लॉकडाउन चल रहा था, हम लोग ऐसे सब दोस्त बैठे हुए थे ना कि सब फारिग हुए हुए थे, क्या करें, कहीं बाहर जा भी नहीं सकते। और एक दोस्त बोलते हैं यार फास्ट फूड का काम स्टार्ट करते हैं, कि हम लोग फास्ट फूड चीज करते हैं कि बर्गर्स बनाते हैं। मैंने बोला यार बर्गर्स तो हर कोई बना रहा है आजकल, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कोई अलग जाते हैं, हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो मतलब तुम्हें पिज़्ज़ा बनाना आता है? मतलब मुझे तो पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता। तो बोला तुम्हें भी नहीं आता? चलो कोई मसला नहीं, हम देखते हैं इंटरनेट पे, देखते हैं इंटरनेट पे सब चीज़ मिल जाती है, इंटरनेट पे देखते हैं। तो चलो सही है, फिर हमने इंटरनेट पे वीडियोस देखी, हम ओवन भी लेकर आ गए, हमने पैसे भी ले लिए, अपने घर से बोरो करे, वो भी अपने घर से लेकर आया, मैंने भी अपने फादर से लिए पैसे, हमने काम स्टार्ट कर दिया। एक बार कजन की कॉल आती है, तुम पिज़्ज़ा बना रहे हो? बोले हाँ। बोले तुम्हें बनाना आता है? बोले हाँ बनाना आता है। ऐसे ऐसे हमने देखा वीडियो। बोले वीडियो देख के कोई पिज़्ज़ा बनाता है? बोले मैं तुम्हें काम सिखाने आता हूँ। बोले आ जाओ जल्दी आओ। तो उसने मुझे दिखाई कि शॉप के कहाँ से सारा सामान लिया जाता है पिज़्ज़ा का और कैसे बनाया जाता है। तकरीबन उसने मुझे दो दिन पिज़्ज़ा से बनाना सिखाया। तो फिर मैंने पिज़्ज़ा बनाना सीखा, फिर उसके बाद हमने काम स्टार्ट करा। तो मुझे ये बताओ कि अच्छा इस दौरान में सबसे मज़े का वाकया क्या था? वाकया तो काफ़ी मज़े के हुए हैं। एक वाकया ऐसा हुआ था कि लाइट गई हुई थी, एक ऑर्डर लगा था लार्ज का, तो मैंने लाइट जाते जैसे पिज़्ज़ा सुन काफ़ी दिया, अचानक से मैचस्टिक की तीली बॉक्स में आ गई। तो मैचस्टिक की तीली बॉक्स में आ गई, वो कस्टमर को चला भी गया। अब वो मैं बोल रहा हूँ काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा बना था उसका, अब मैं उसको दे देता हूँ। उसको मैसेज देकर बोलते हैं यार ये क्या है, आप तीली भी साफ फ्री में देते हैं पिज़्ज़ा के? मैंने नहीं यार ये तीली का असर है। मैंने यार लाइट चली गई थी, पावर फेलियर हो गया था जब भी आ गई। तो बोला ये ऐसे कैसे आ गई, आप देख नहीं सकते, आप भी नहीं कर सकते? बोला सॉरी सर आप नहीं करें, मैं आप बोला मैं आपका अभी रिव्यू सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा। बोला नहीं प्लीज़ सर आप ऐसा नहीं करें, मेरा चलता हुआ अभी स्टार्ट होगा, अभी बंद हो जाएगा, आप ऐसा नहीं करें, मैं आपको कल बिल्कुल एक फ्री पिज़्ज़ा भिजवाऊंगा। तो उसको मैंने बोल के उसको मैंने कूल डाउन करा, फिर उसको मैंने नेक्स्ट डे उसको मैंने फ्री पिज़्ज़ा भिजवाया। तो बोला यार थैंक यू यार आपने अच्छा करा। बोला ओके बस आप खामोश रहें, अब आप कुछ ना करें। सबसे मोटिवेशनल वाकया क्या था जिसकी वजह से तुम्हें लगा कि नहीं ये काम तो बहुत ही अच्छा है और ये मैं तो बहुत अच्छा हूँ इस मामले में? काम एक ऐसा है कि एक मेरे पास बर्थडे का ऑर्डर आया था, तकरीबन काफ़ी बड़ा ऑर्डर था, 15 ऐसे कर 12 आवर्स का ऑर्डर था। तो उस बंदे ने मुझे काफ़ी बोला यार मैंने आपको पोस्ट पढ़ा है, आप हार्ड वर्किंग दो तो आप मुझे पिज़्ज़ा भिजवा दो। मैंने जी जी सर को भिजवाता हूँ। उस बंदे ने जो मेरे एक्चुअल रेट थे पिज़्ज़ा उस हिसाब से नहीं दिया, उसने मुझे 500 के हिसाब से उसने मुझसे पिज़्ज़ा बाएगा। उस बंदे ने बोला ये आप मेहनत करते हैं ये आपके लिए, मतलब ये लोग ऐसे भी लोग हैं कि जो बिल्कुल हमारी मेहनत को सराहते हैं, मतलब अप्रिशिएट करते हैं हमें काफ़ी। अच्छा अब अम्मा अब्बा को कैसा लगता है? चलो अब जो है वो कोविड के दौरान जो है वो बच्चा आप कमा भी रहे हैं माशाल्लाह से, और बच्चा जो है वो घर में अर्निंग भी लेकर आ रहा है, और मतलब ये एक बड़ी बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि इस टाइम में जब लोगों के रोज़गार चले जाते हैं उस टाइम पे तुम जो है वो कमा भी रहे हो। जो मदर थे मेरे फादर थे उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करा कि अच्छी बात है बेटा करो। मेरा जी जी बिल्कुल मैं सपोर्ट भी करूँगा आप लोगों को। बोले नहीं तुम सपोर्ट नहीं करो, तुम खाली अपने एक्सपेंसेस संभाल लो, हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम अपना देख लेंगे। नहीं मैं करूँगा इंशाल्लाह, मैं शॉप खोलूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो मेरे फादर बोलते थे बेटा अभी इतना ऊपर नहीं उड़ो, जितना चल रहा है इतना काम कर लो और अपने निकालो। तो बोले सही। अब जबकि ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया अब बोलते बेटा पढ़ लो अब अपनी पढ़ाई कर लो ये छोड़ दो। बोले नहीं इंशाल्लाह मैं करता भी रहूँगा पढ़ता भी रहूँगा इंशाल्लाह। यार हुज़ैफ़ा 1.5 साल में एक अच्छा इंजीनियर तो बन ही जाएगा, लेकिन उससे पहले वो एक अच्छा शेफ बन चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी बहुत ही मोटिवेशनल बात है कि कोविड के ज़माने में जब लोगों के रोज़गार गए तो उस वक्त हुज़ैफ़ा ने एक नए आइडिया के साथ जो है वो कम अप किया और बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बनाए। तो अब मैं जा रही हूँ पिज़्ज़ा खाने के लिए और आप लोग जो है वो
सब ललचाए मुझे देखकर। तो ठीक है, बाकी तमाम लिंक्स मैं नीचे दे रही हूँ और आप लोग जो है वो अब, लेकिन मैं हुज़ैफ़ा का नंबर भी नीचे दे दूँगी, तो आप लोग जो है वैसे मैं अभी हुज़ैफ़ा की अम्मी से ही बात करूँगी, और लेकिन हुज़ैफ़ा का पिज़्ज़ा खाए बगैर आप लोग जो है वो मेरी बात पे कैसे यकीन करेंगे। तो हुज़ैफ़ा का नंबर नीचे है, आप लोग हुज़ैफ़ा का पिज़्ज़ा मंगवाइए और खाइए, मैं जा रही हूँ खाने के लिए, और टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।